हमारे इंस्टीट्यूशन सियार्क शान आईटीआई कैंपस ड्राइव के लिए पहुँचे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उनके प्रतिनिधि अजय सैनी जी, मेंटर मैनेजर सिमरनजीत कौर जी और एआईएसएन से सुनील जी, शौकन जी, अमन जी, हमारे इंस्टीट्यूशन के सुप्रिंटेंडेंट साहब रविंदर जी और अन्य सभी साथी ये स्टूडेंट्स, हमारा ये जो आज एक जॉब फेयर के तौर पे हमने इंस्टीट्यूशन में कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है, हम पहले भी करते आए हैं और अभी जस्ट आप लोगों में से अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ पास आउट्स भी हैं। मकसद क्या था कि इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक बार पता चले कि हम प्लेसमेंट को लेकर के कितने सीरियस हैं, इसीलिए हमने यहाँ रखा है। अदरवाइज़ क्या रहता है, आप स्टूडेंट्स जैसे पास आउट होते हैं अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी जो जिसको जैसी भी जगह उनको सूट करती है, जैसी उनको जॉब सूट करती है, वो अपने लेवल पे ट्राई करते ही है। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने भी आपको 2 साल अपने पास रखा है, अपने बच्चों की तरह आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, आपकी सभी बातों का ध्यान रखा है, तो हमारा ये एक एफर्ट भी रहता है कि आपको प्लेसमेंट तक हम सपोर्ट करें और उसी कड़ी में ये हमारा एक एफर्ट है। तो सभी जो प्रतिनिधि आए हुए हैं कंपनी से, उनका मैं सभी का अपने संस्थान की तरफ से स्वागत करता हूं और आभारी भी हूं, वो सुबह से आकर के हमारे पास सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग का स्टूडेंट्स का कैसा रहता है और ओवरऑल जो है ना आप लोगों के बारे में ही जानकारी कलेक्ट करना है, उनका ये एक उद्देश्य रहा है कि हम क्यों छोटूराम आईटीआई के स्टूडेंट्स को हायर करें, इंस्टीट्यूशन में क्या खास है, इंस्टीट्यूशन का क्या प्राइम मोटो है, इंस्टीट्यूशन किन बातों को लेकर के सीरियस है, और वो बातें हम अपनी स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर भी पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, उसकी सारी बातें तो आप लोगों के अभी सेशन में बात बनेगी, आप लोगों से वो रूबरू होंगे कि हमने जो कहा है, हमने जो आपको सिखाया है, उसमें से आप कितना स्किल्स हायर कर पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, और उसी का सारा वो है। कंपनी के प्रोफाइल्स के बारे में, कंपनी के जो एक किस प्रकार का उनका काम का रहता है, वो सारी चीज़ें तो उनके प्रतिनिधि आप लोगों को बता पाएंगे। तो मेरा एक आप लोगों के लिए मैसेज है, जब आप काम करने के लिए तैयार हो ही गए हो, आपने ट्रेनिंग पूरी कर ही ली है, तो एक सिंसियरिटी के साथ आप अपने काम की शुरुआत करो, उसमें अनेक पायदान आएंगे उतार चढ़ाव के, ये तो आपकी शुरुआत है। और इसी ऐसी अच्छी कंपनी से शुरुआत होना, पहले भी कैंपस ड्राइव इन्होंने हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं, तो ये बार बार हमारे एजुकेशन के बच्चों को हायर करने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ अच्छा परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि यहाँ से एक बार हायर किया, अपनी अपनी बातें रहती हैं बच्चों के अंदर, कंपनी की क्या अपनी जो है लायबिलिटीज़ हैं, कुछ मजबूरियाँ भी रहती हैं, एचआर की भी मजबूरियाँ रहती हैं स्टूडेंट्स में, जो ना मैं अभी बात डिस्कस कर ही रहा था इनके साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, कि बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी है, वो बहुत कम धैर्यवान है। थोड़ा सा अभी हम बात करें, किसी के साथ हम कॉलिंग भी करते हैं ना, अगर किसी की सामने से कॉल वेटिंग में आती है तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे इरिटेट करते हैं, क्या यार मैंने कितनी बार ट्राई कर लिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, हालांकि वो वेटिंग में है, एंगेज्ड है ऑलरेडी। तो कंपनी में भी हम काम कर रहे हैं, हम काम करने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती हैं, आपकी अकोमोडेशन की, आपके फूड की, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं कंपनी में, आपके इंसेंटिव्स की, कंपनी आपको देख रही है, आप कंपनी को नहीं देख रहे हो, कंपनी ने अपना काम करने के लिए अपनी फैकल्टीज जो है ना वो ऑलरेडी एचआर के तौर पे हायर की हुई है, वो सारे काम देख रहे हैं। अभी आप नए जुड़े हैं, कोई भी आदमी नया परिवार में आता है तो सेटल होना उसको पड़ता है, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो हम कोशिश करते हैं कि जा करके हम अपनी बातें ऐसे रखते हैं या अपने आप को ऐसे रिएक्ट करते हैं
कि जैसे मेरे जाने ना जाने से मतलब कंपनी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता, नहीं, हम पहले ये ऐसे करें कि कंपनी की ज़रूरत तो बन जाए, आपको कंपनी रोकने की कोशिश तो करे एक बार काम करने के बाद, तो एक लंबा सेशन में इसमें उनके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता, क्योंकि पहले से हम थोड़ा सा इस समय से लेट चल रहे हैं, तो अभी आप एक बार सारी जानकारी ले लें और ध्यान से अपने पैड वगैरह पे लिख भी लें, ताकि दो बातें दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरी जो है आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, ध्यान से सुने और ध्यान से आप कंपनी के बारे में सुनने के बाद अपना अपने दिमाग में तैयार कर लें कि मैंने इस तरीके से कंपनी के साथ जुड़ना है, काम करना है। बाकी आपके स्किल्स के वो इंसेंटिव्स वगैरह के बारे में सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो कंपनीज़ के जो लोग हमारे यहाँ कैंपस ड्राइव के लिए आए हैं, उनका मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ उनका कि उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशंस को और इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को इतना अच्छा टाइम दिया है। पहले से भी उन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कंपनियाँ आज प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आई हैं, उनमें से एक एशियन ऑटोमोटिव रोहतक से है, एक ऑटोलिव झज्जर से है, एक पोली मेडिक्योर फरीदाबाद से। उनके जो प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आए हैं, उनका नाम है सुनील शिवाच जी। तो इन कंपनियों में अलग अलग ट्रेडों के लिए जॉब्स हैं, जैसे ऑटोलिव के लिए सिर्फ ओनली फीटर पास आउट बच्चे चाहिए, एशियन और पोली मेडिक्योर में जो बच्चे अपीयरिंग हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं जुलाई में हमारे सेकेंड ईयर के, वो भाग ले सकते हैं, और जो पास आउट बच्चे वो भी। लेकिन ऑटोलिव जो कंपनी है उसमें सिर्फ ITI पास आउट ही चाहिए फीटर ट्रेड के। जो आगे जो जानकारी देंगे इन कंपनियों के बारे में कि उनमें क्या PF है, क्या ESI कटेगा, क्या उनको सैलरी रहेगी, उसके बारे में सुनील जी हैं, वो आपको जानकारी दें। कंपनियों में काम करने के लिए सब एग्री हो भाई? यहाँ पे तीन कंपनी है मेरे पास, ठीक है। एक तो आईसन ऑटोमोटिव रोहतक, जो गाड़ियों के लॉक बनाती है, गाड़ियों के लॉक और सनरूफ, ठीक। यहाँ पे ड्यूटी रहेगी 8.5 घंटे की आपकी, एक रहेगी 10 घंटे की, ठीक। जब 10 घंटे शिफ्ट करोगे, सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी 2, और 8 घंटे करोगे तो संडे की छुट्टी रहेगी आपकी। स्टाइपेंड रहेगा आपका यहाँ पे 11,000 रुपये जो अप्रेंटिस पे आएगा, 500 रुपये रहेगा टेंडर्स अवार्ड। अगर आप कोई भी छुट्टी नहीं करोगे महीने में तो 11,500 रुपये आपके सीधे हो गए 8 घंटे के। ड्यूटी रहेगी आपकी शिफ्टों में, सुबह 6 से 2:30, 2:30 से 11 और 11 से 6, ये 3 शिफ्टें हैं, हर वीक आपकी शिफ्ट चेंज होती रहेगी, ठीक। कंपनी में कैंटीन फैसिलिटी है, जिसका आपकी सैलरी से 5 रुपये डिडक्शन होगा पर डे का। साथ में ट्रांसपोर्ट है, जो 300 रुपये महीना रोहतक में आप कहीं पर भी रूम लोगे, रूम आपका खुद का होगा, रूम से लेके आएगी छोड़ के आएगी, 300 रुपये आपकी स्टाइपेंड से कटेंगे। आपका काम जो रहेगा कंपनी में वो खड़े होके रहेगा, पार्ट असेंबल करना, ठीक। चैन सिस्टम होगी, चैन सिस्टम पे बच्चे पार्ट असेंबल करेंगे, ड्रेस कंपनी की रहेगी फ्री में, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना और किसी को कोई डाउट हो काम में, कुछ भी पूछ सकता है। PF जो अप्रेंटिस पे आएगा उसका PF ऐसा ही नहीं कटेगा भाई, ठीक। और कुछ मन में डाउट हो किसी को भी बताओ, कुछ तो पूछो, पहली बार निकल रहे हो काम करने के लिए, कोई डाउट हो मन में, किसी का कोई डाउट नहीं है। कैंटीन में 2 तरह की सब्जी रहेगी, चावल रोटी सलाद दही रायता, ये सारी चीज़ें रहेंगी भाई। और बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट के बारे में? हाँ, पूरे रोहतक शहर में सिटी के अंदर कहीं भी रूम हो आपका लेके आएगी छोड़ के आएगी, हाँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना है, आप कहीं से भी आओ। और कोई पूछना किसी को कुछ? अगर आप करना चाहते हो तो फिर से आपको वहाँ पे जॉब पे रख लिया जाएगा DVO के अंतर्गत, ठीक, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग पे स्टार्टिंग में 2 साल के लिए लिया जाएगा। अगर आपका फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड बिहेवियर अच्छा रहता है तो वहीं पे ऑन रोल रख लिया जाएगा, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं, PF SI फिर भी नहीं कटेगा आपका, नहीं, वो कम से कम 3 साल बाद कटेगा PF SI। अप्रेंटिस पे होगी नहीं, जब आप आगे आओगे तो साल में 2 बार सैलरी बढ़ेगी, एक बार जब आपको साल कंप्लीट होगा 5% सैलरी तब बढ़ेगी, और एक बार जो अप्रैल में हरियाणा रेट बढ़ता है तब।
और बताओ भाई, वो जॉब पे आ सकता है भाई वहाँ पे डायरेक्ट, उसकी सैलरी 12,000 रुपये रहेगी, ELCL मिलेंगी, ठीक, सारे प्रॉफिट मिलेंगे। और बताओ भाई, फिटर से आई टी किस किसने कर रखी है, फिटर वाला, फिटर वालों के लिए ऑटो लिव कंपनी एग्जर में, जिसकी स्टाइपेंड रहेगी आपकी 8 घंटे की 17,500 रुपये, शिफ्टों में ड्यूटी रहेगी वहाँ भी, कैंटीन फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, ड्रेस कंपनी की फ्री है, वहाँ पे भी पार्ट असेंबल करना होगा आपको, गाड़ियों की सीट बेल्ट हो, हैंडल हो, 2-4 पार्ट बनते हैं वहाँ पे, ठीक, ये वर्क रहेगा आपका वहाँ पे भी। 2 साल की अप्रेंटिस होगी, पर वहाँ पे ओनली अप्रेंटिस पे होगा, फिटर ट्रेड का ये रहेगा। 2 साल बाद वही कंपनी वही है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, हाँ जी हाँ जी है, तो परमानेंट है, बिहेवियर गलत है आपका तो बाहर हो। एक्सपीरियंस किस समझें, दोबारा बोलना सर एक बार, अगर उसी कंपनी का उसी चीज़ का एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो डायरेक्ट ऑन रोल भी आ सकता है वहाँ पे, नहीं आ सकता सर, उसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कोई कुछ पूछना भाई, ऑटो लीव जज्जर के लिए फिट ट्रेड, फिट ट्रेड वाला कोई कंफ्यूजन हो, उसकी उस तरफ फरुख नगर, वहाँ जज्जर तक वहीं पे रहेगी भाई। हाँ पूछना किसी कुछ भी भाई, क्लियर है। एक पॉलीमार्ट है मेडिकल डिवाइस केयर, जो मेडिकल के इंजेक्शन दवाई ये चीज़ बनाती है, वो 12 घंटे ड्यूटी है वहाँ पे, 16,500 रुपये सैलरी रहेगी आपकी, वहाँ पे कैंटीन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बट कंपनी का जो प्लांट है वो एसी प्लांट है पूरा, ठीक, ड्रेस कंपनी की फ्री रहेगी, वहाँ पे भी शिफ्टों में ड्यूटी है, सुबेरे 7 के शाम के 7 बजे तक, शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक, पास में ही रूम मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक, वहाँ पे ही है। वहाँ के लिए किसी को कुछ पूछना हो, वहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिस है, कोई डाउट हो किसी के मन में, डाउट तो मैं लगा, इतने बच्चे हो यार, साढ़े 16,000 रुपये भाई, 12 घंटे ड्यूटी है वहाँ पे, हाँ, और 8 घंटे करोगे तो 11,800 रुपये वहाँ पे सैलरी। किसी का कोई डाउट हो भी तीनों कंपनियों को लेके, काम को लेके, सैलरी को लेके, कुछ भी। हाउ आर यू, लगा बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, ठीक है ठीक है। बेसिकली हम है वेबटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, हम एप्लीकेशन प्रोग्राम वेब डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें टेस्टिंग और जितना भी आगे डिजिटल वर्क है डिजिटल वर्क में काम करते हैं रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशंस ब्लॉगिंग और एक्सेल स्मार्ट एक्सेल्स क्यूरी बिग क्यूरीज परफॉर्म करना कंपनीज की सेल्स बढ़ाना उनको IT सपोर्ट देना उनके कस्टमर रीच को बढ़ाना उनके बेस को मैनेज करना ये सब हमारी कंपनी परफॉर्म करती है। हम सब हमारी कंपनी प्रोजेक्ट पे काम करती है ओवरसीज़ भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं US के तो बेसिकली 2 टाइमिंग में परफॉर्म करती है। बेसिक ऑफिस हमारा हेड ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर है बट यहाँ पर अभी हमने एक रीजनल ऑफिस खोला है DRDA के अपोजिट पंजाब एंड सिंध बैंक की 2nd फ्लोर पे। उस ऑफिस का नाम AWL मेटावर्स के नाम से है वो रजिस्टर्ड कंपनी है एंड हमारा जो पोजिशन जिस पर हम हायर करना चाह रहे हैं बच्चों को वो अभी हायर करना चाह रहे हैं एज ए इंटर्न्स क्योंकि जैसा कि कोपा ट्रेड वाले एक इमर्जिंग ट्रेड है ITI के मामले में देखी जाए कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे काम कराती है तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें रा बच्चे मिले बेस बच्चे मिले ताकि उनको डिज़ाइन और ड्राइव किया जा सके क्योंकि जो एनर्जी और जो क्रिएटिवनेस आप में मिल सकती है मे बी वो एक बैचलर कैंडिडेट में ना मिले क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पढ़ जाता है तो यहाँ पर काम थोड़ा सा डिफरेंट सेंस का रहता है। वी नीड योर स्मार्ट वर्क रादर देन योर हार्ड वर्क और यहाँ पे जो पेमेंट्स होती हैं वो सारी प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है एज़ वेल एज़ यू विल परफॉर्म इन प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी प्रोजेक्ट्स में आपका इंसेंटिव और सैलरीज बढ़ती जाएंगी। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स की रेंज 15,000 से लेकर 30 लाख तक रहती है तो जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा होंगे आपको इंसेंटिव उसी अकॉर्डिंग मिलता रहेगा बाकी सारे बेनिफिट्स जो कंपनी के होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। ड्रेस कोड कोई नहीं होता बट पंचुअलिटी मैटर करती है मैटर करने के बाद बेसिकली ये है कि अगर कोई काम रात को भी आ सकता है अगर कोई क्लाइंट ओवरसीज है और वो नाइट को काम कर रहा है तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है सेपरेट आवर्स के लिए आपको अलग से पे किया जाएगा।
और मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग का हम यहाँ सबसे पहले एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं। वैसे तो हम कोर्स लॉन्च कर रहे थे, लेकिन फिर सर ने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे स्टूडेंट्स में कुछ कैलिबर देखें, और आप अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने 2-3 कैंडिडेट्स हायर किए थे सबसे पहले 2 साल पहले, तो आप जानेंगे वो कोपा ट्रेड से ही थे एंड दे परफॉर्म वेरी गुड। आज अगर उनमें से बात करूँ तो 2 गर्ल्स इतनी अच्छी हैं कि 2 बड़ी बड़ी कंपनियों की सोशल कंटेंट मैनेजमेंट संभाल रही हैं वो। सो इट्स अ गुड फील्ड, बट नीड योर पेशेंस एंड कम कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सपर्टीज़। आपकी ये चीज़ चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपके दिमाग का बैठ के, जिसको स्मार्टली ड्राइव करना पड़ेगा। सो बेसिकली शुरुआत में हमारे इंटर्न्स प्रोग्राम है, हम डायरेक्ट स्टाइफंड पे नहीं करेंगे बात, हम सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट पे बिलीव करेंगे, क्योंकि और मेरी और हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हम जींद के अराउंड ही बच्चे लेंगे, ताकि वो आराम से हमारे ऑफिस में आ सके और जा सके। ज़्यादा दूरी के हम गाँव को नहीं करेंगे, बेसिकली अगर कोई शहर से कनेक्टेड और नियर बाय सर्कल में 5 से 7-8 किलोमीटर तक है तो वहाँ तक है, हम उसका ट्रांसपोर्ट का आने जाने का शुरुआत में 3 महीने में उसको एक्सपेंस देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स एक टेस्ट होगा, धीरे धीरे आपको प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हमें लगा कि आप हमारे चीज़ें सीख गए हैं, या फिर एक टेस्ट होगा उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद अगर हमें लगे कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम एक सेपरेट ट्रेनिंग दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको धीरे से फ्यूज़ कर लिया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में। पहले नेक्स्ट 3 मंथ्स किसी एक या 2 प्रोजेक्ट का हिस्सा बने रहेंगे, आपको असिस्ट आप एज असिस्टेंट काम किया जाएगा, आपके ऊपर मेंटर्स बैठे होंगे, आपको असिस्ट किया जाएगा। जैसे ही आप 3 महीने के वो प्रोजेक्ट पूरे करते हैं तो आपको सेपरेट एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लिया जा सकता है। देन आपकी हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आप वेब में जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, कंटेंट में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप एक्सेल में जाना चाहते हैं, बिग क्यूरीज में जाना चाहते हैं। आप 6 महीने के बाद डिसाइड कर सकते हैं आपका, और देन आपको एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए फ्यूज़ कर लिया जाएगा, और जो कंपनीज के बेनिफिट मिलते हैं एज यूजुअल वो सारी टर्म एंड कंडीशंस के साथ आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज़।